रमशा पर तुमने अटैक करवाया ना, तुम्हारी गाड़ी मैंने पहचान ली थी, तुम्हें थी ना? हाँ, मैंने ही अटैक किया, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इस बार बच गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूं मैं आपसे। तो उसे मारना चाहती हूँ। मामा मेरा बच्चा ले तो मैं उसको अभी और इसी वक्त मार, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी ना तो मैं और अफनान कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि भाईजान ने मुझे कंपेयर किया रमशा के साथ। जिस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की है ना, ऐसे उन्होंने कभी भी मुझसे बात नहीं की। लीजिए, ये वही भाईजान है जो मुझ पे जान छिड़कते थे, इसीलिए तो इतने दिन से परेशान। इस लड़की ने ना, रमशा ने सब कुछ बदल दिया है, भाईजान को भी बदल दिया। भाईजान अब ऐसे नहीं रहे। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो रमशा गई? नहीं भाईजान, रमशा तो अभी तक आई नहीं। रमशा नहीं आई, इतनी देर हो गई, वो फोन करके देखो जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, जमशेद एकेडमी भी गया था और फोन भी किया है, ना वो उठा रही है ना एकेडमी में है। वहां नहीं है तो हो सकता है भाईजान वो अपनी चची से मिलने चली गई हो। फोन करके कंफर्म करो ना, फोन कर। हाँ, अलीजे मिलाओ नंबर। जी जी मैम, कॉल करते हैं। कॉल नहीं पिक कर रही हूँ मामू जान। उसकी कजन भी तो है, क्या नाम है उसका? है नहीं, है नहीं। उसका नंबर, उसका नंबर मेरे पास है, मैं करता हूँ। बताओ। फोन नहीं रिसीव कर रही। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, बारिश हो रही है ना बहुत तेज। हाँ खैर करे, तो कैसे हो सकता है इस तरह? अफतान, अफतान कहाँ जा रहे हो? भाईजान आप परेशान मत होइए, आ जाएगी थोड़ी देर। मुझे बता रही हो वो एकेडमी में नहीं है, और तुम कह रही हो कि मैं परेशान भी ना हूँ? कमाल कर रही हो तुम।
खैर का। अफनान रुको, अफनान रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रमशा को ढूंढने। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम्हें इस मौसम में कैसे बाहर जा सकते हो? अरे क्या हो गया तुम्हें? रमशा कब से गायब है? प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। अफनान मेरी बात तो सुनो, अफनान मेरी बात सुनो। क्या है यार? मैं तुम्हें इस मौसम में बाहर नहीं जाने दूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब मेरे रास्ते में मत आना, मुझे हर हाल में रमशा को ढूंढना है, क्योंकि इस वक्त मेरा दिल और दिमाग मेरे इख्तियार में नहीं है। प्लीज मेरे सामने मत आओ। रमशा ने लगाई है ना ये मट्टी, उसके हाथ पे लगी हुई देखी थी मैंने। अनी तुम गलत समझ रही हो, तुम गलत फहमी। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ अफनान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम दोनों ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुम अपनी बीवी को छोड़ के उस घटिया लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो। शट अप, जस्ट शट अप। इसके आगे अपने मुंह से एक भी घटिया लफ्ज निकालना, उसके बाद का एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगा। अम्मी, अफनान भाई आए। अफनान हमारे घर? जी जी, बिठाए। बिठाओ। बिठाया हुआ है भाई। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफनान बेटा, आप यहाँ? मेरे मतलब है सब खैरियत तो है ना? मैं चाय बना के लाती हूँ। आंटी दरअसल मुझे ये पूछना था कि रमशा सुबह से एकेडमी गई है, घर वापस नहीं आई। यहाँ तो नहीं आई? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। अगर यहाँ आती तो मैं खुद फोन करके आपको बताती। आप ऐसा करें ना, फोन करके उससे खुद पूछ लें। जी, मैंने सुबह से काफी दफा उसके नंबर पे कॉल की है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है।